तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसका डेमो देखते हैं पहले, फिर हम बताएंगे इसको अपने सिस्टम पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये लोकली होस्टेड है मेरा, इसको फर्स्ट लॉग आउट करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज होगा, एज एडमिन बेस्ड हमारा एप्लीकेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल कैसे एक लाइब्रेरी में एक एडमिन होता है और वहाँ पे वो स्टूडेंट और बुक को रजिस्टर करता है और वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं बुक को बोरो करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट हमारा एडमिन लॉगिन पेज है यहाँ पे। ओके, सो एडमिन यूज़र नेम है एडमिन, एंड पासवर्ड है एडमिन एट द रेट LMS। सो लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे। जो डैशबोर्ड में फर्स्ट चीज़ हमें दिख रहा है वो असाइन बुक्स। यहाँ पे हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, बुक सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे समरी शो करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, ऊपर पैनल है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड है। फॉर अभी तक हमारे पास इतने स्टूडेंट्स इनरोल्ड है, अगर हमें कोई नेक्स्ट इनरोल्ड करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम उसका इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, नेम, ईमेल, फोन, ब्रांच फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एंड सेमेस्टर 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट मेरा हमारा इनरोल हो चुका है। अगर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं उस स्टूडेंट्स को, फर्स्ट सेमेस्टर हम चेंज कर देते हैं तो स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, डिलीट भी कर सकते हैं स्टूडेंट को, अगर हमें किसी स्टूडेंट्स को डिलीट करना है फॉर एग्जांपल दिस, तो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर बुक्स, हम यहाँ पर बुक्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि एज एडमिन हम अपने लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स रखना चाहते हैं। सो बुक आई डी, बुक टाइटल, बुक का प्राइस, कैटेगरी एंड काउंट, बुक सेव्ड हो गया। सिमिलरली बुक को एडिट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे यहाँ पे बुक असाइन कैसे होगा। ओके, तो फर्स्ट यहाँ बोरोड लिस्ट है कि हमारे करेंटली हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ने बोरो किया है बुक्स, स्टूडेंट की आईडी, इनरोलमेंट नंबर है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो 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 बुक्स उन्होंने बोरो किए। सिमिलरली यहाँ पे हम स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनके इनरोलमेंट नंबर से। सो एंड नेक्स्ट इज असाइन बुक। फर्स्ट हम सिलेक्ट करना है स्टूडेंट के इनरोलमेंट नंबर, नेम से सर्च करेंगे। सो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आ गया। नेक्स्ट सेलेक्ट पे करना है, यहाँ पे समरी में हमारा स्टूडेंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बुक कौन सी असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल डी ए से, यहाँ पे काउंट शो हो रहा है, सेलेक्ट नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारा बुक यहाँ पे असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बुक, तो हमारे पास तीन बुक्स हमारे समरी में आ गई है, बुक लिस्ट जो हमें इसे असाइन करना है। तो सिमिलरली यहाँ से अगर हम डिलीट करना चाहें कोई बुक को तो डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट बुक असाइन कर सकते हैं उस स्टूडेंट को। नाउ यहाँ पे हमारा बोरो लिस्ट में वो स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे आ गई जिसने बोरो किया था। यहाँ पे बोरो डेट एंड रिटर्न डेट भी है। ओके, नाउ हमें बुक रिटर्न कैसे होगा। सो सिंपल, यहाँ पे आके जिस स्टूडेंट को रिटर्न करना है बुक उसकी आईडी डी यहाँ पे सर्च करनी है, तो उसका सारा डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर रिटर्न करने के दो तरीके हैं, या तो सिंगल रिटर्न करना है या रिटर्न ऑल। रिटर्न ऑल कर देंगे तो हमारे बुक्स का जो काउंट था वो वापस आ जाएगा एक्चुअल काउंट पे। एंड एट लास्ट जो इसमें फीचर्स है वो है, मतलब जितने सारे फीचर्स हो गए, और ये लॉगआउट का है तो इससे हम लॉगआउट होकर मेन होम पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन का वॉक थ्रू, और नेक्स्ट बताते हैं इसको। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फर्स्ट हमें चाहिए एक MongoDB डेटाबेस एंड नोड जे। सो नोड जे को इंस्टॉल करने के लिए नोड जे सर्च करना है एंड डाउनलोड पर क्लिक करके अपने सूटेबल डिवाइस के लिए नोड जे को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है।
नेक्स्ट हमें चाहिए मोंगो डीबी डेटाबेस, सो मोंगो डीबी सर्च करना है एंड यहाँ पे एक एक अकाउंट क्रिएट करना है हमें। सो साइन इन विथ गूगल करना है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे या कैसे भी साइन कर सकते हैं हम मोंगो डीबी में। इसमें कुछ वक्त लगेगा, तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट की जिप फाइल अवेलेबल होगी, इसे अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद इसको वीएस कोड में ओपन कर लेना है। वीएस कोड में कुछ इस तरह से ओपन होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है .env नेम से। के बाद यहाँ पे env.txt है, इसमें का सारा टेक्स्ट कॉपी करके .env में पेस्ट कर देना। नेक्स्ट वापस हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से लर्न मोंगो डीबी, न्यू टू मोंगो डीबी, मोंगो डीबी सेटअप करना है, जावास्क्रिप्ट नोड जेएस, एंड देन फिनिश पे क्लिक कर देना। उसके बाद फ्री सर्वर हमें सेलेक्ट करना है और जो सेम बिना कोई चेंजेस का नेक्स्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें यूज़र नेम आएगा, सो यूज़र नेम यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ पे क्रिएट यूजर क्रिएट करना है, पासवर्ड 2 वीक। माय लोकल एनवायरनमेंट और यहाँ पे आईपी में आकर 0.0.0 एड एंट्री देन फिनिश एंड क्लोज। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस सेटअप हो जाएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमें कनेक्ट पर क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक, और यहाँ से ये टेक्स्ट हमें कॉपी कर लेना है। ओके, टेक्स्ट कॉपी करने के बाद हमें वापस वीएस कोड में आना है और यहाँ पे जो मोंगो URI यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट इसमें पासवर्ड को हमें वापस जो हमने वहाँ पासवर्ड डाला था उसे 123। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इससे पहले हमें जो अपने डेटाबेस का नाम देना है वो यहाँ पे लिख देना है। सो यहाँ पे LMS, ओके, देन इसको सेव करना है। उसके बाद हमें एक टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल। सो LMS में जो हमारी रूट डायरेक्टरी है इसमें लिखना हमें npm i एंड इंटर। सो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें अपने क्लाइंट डायरेक्टरी में जाना है, सीडी क्लाइंट, और इसमें भी हमें रन करना है npm i। हो गया, वापस हमें रूट डायरेक्टरी पे आना है एंड हमें रन कर देना है npm सर्वर, जिससे हमारा बैड ऑथेंटिकेशन पासवर्ड हमने शायद गलत डाल दिया है। ओके, इसको रिस्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे रन हो गया सही से, और अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट
I173 पे जाएं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे रन सर्वर नहीं, npm रन डेव करना है। सो इस तरीके से हमारा दोनों सर्वर रन हो जाएगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड भी। उसके बाद अगर हम लोकल होस्ट 5173 पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन होता हुआ दिख जाएगा। सो एडमिन @lms एंड लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पे लॉगिन होंगे। सिमिलरली क्योंकि हमने अभी नया नया डेटाबेस सेटअप किया है सो हमारे पास कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। सो हमने यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट लास्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। If you want to buy this project, please visit our website nargeshgupta.com.